बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सालार खान हियर, और आज आपको पढ़ाते हैं जी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के ऊपर। आपकी बुक में एक सिंपल सा एग्जांपल है जी, वो आपको आज बताते हैं। एग्जांपल नंबर है जी 2.4। अच्छा, तो लिख के जरा मेरे साथ साथ आप भी देखे जी। सिंपल है, आप खुद कर सकते हैं, लेकिन चले कोई बात नहीं। वेक्टर ए है हैविंग अ मैग्नीट्यूड 3.2 मेक्स 50 डिग्रीज विद द एक्स एक्सिस। तो एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 3.2 है, और ये जो एंगल बना रहा है, लेट से मैं इसको थीटा ए कहता हूं, दिस इज 50 डिग्रीज विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऑफकोर्स, क्योंकि वो हमारा रेफरेंस एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है जी। एंड अ वेक्टर बी विद मैग्नीट्यूड 5.2 मेकिंग एन एंगल 110। सो बी जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 5.2 है, मेकिंग एन एंगल थीटा बी, लेट्स से दैट इज व्हाट, दैट इज 110 डिग्रीज विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आप क्या करें, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स। सो द मैग्नीट्यूड, आप इन दोनों वेक्टर को आप डॉट भी करें और इन दोनों वेक्टर्स को आप क्रॉस भी करें। ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले अगर आप करते हैं जी डॉट प्रोडक्ट, सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए डॉट बी इज इक्वल टू व्हाट, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन देम। ये थीटा क्या है जी, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन tails of the two vectors, tails of two vectors, और ये जो smaller angle होता है between the tails rotated in the anti-clockwise direction, वो angle है। हमें जो angles given है वो individual vectors के given है, between the vector given नहीं है। किस तरह find करें, तो देखिए जी, ये आपका positive x-axis है, ये आपका positive x-axis है। ठीक है जी, y-axis, चले y एक्सिस होगा यार, यहां पे होगा, चले बना लेते हैं कंफ्यूजन से बचने के लिए, ये आपका y एक्सिस हुआ। एक आपको कह रहे a वेक्टर है 3.2 है, 50 डिग्रीज बना रहा है, 50 डिग्रीज अप्रोक्सीमेटली इधर होगा कहीं पे, ये आपका वेक्टर a हो गया, ये उसका एंगल हो गया जी कितना, थीटा a, जितना भी है 50 डिग्रीज है। दूसरा वेक्टर जो है 5.2 है, एक 110 डिग्रीज बना रहा है, सो 110 कहीं पे इधर होगा कि नहीं होगा, एंड दिस इज वेक्टर नंबर बी, और इसका जो एंगल है दिस इज थीटा बी विच इज व्हाट एवर द वैल्यू इज। और अब हमें क्या चाहिए, हमें ये वेक्टर चाहिए जी, हमें एंगल ये वाला चाहिए, ये वाला एंगल, this angle is theta which is the angle of our interest which is the theta that is the angle between the two vectors, jo ke hum cos mein istemal karenge, jo ke hum sin mein istemal karenge। to dekhiye ji kya aata hai, ye theta hum kis tarah calculate karenge, to dekhiye ji ye pura angle theta b hai ki nahi hai, agar isme se main is theta a ko minus kar do to kya mere paas ye nahi bachega, bilkul bach jayega, theek hai na, bilkul theek hai। to theta b माइनस थीटा ए होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, विच मीन्स 110 डिग्रीज माइनस 50 डिग्रीज, और जो आपके वेक्टर्स के दरमियान एंगल है दैट कम्स आउट टू बी 60 डिग्रीज। अब आप आसानी से जो है तो कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ए डॉट बी वुड बी इक्वल टू व्हाट, ए का मैग्नीट्यूड इज 3.2, बी का मैग्नीट्यूड इज 5.2, कॉज ऑफ द एंगल इज 60 डिग्रीज। तो करें करें जी, खुद कैलकुलेट करें क्या आता है जी, मैं आपको बताता हूं, दिस इज 8.2। अब आपसे पूछा जी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डॉट प्रोडक्ट, तो इसमें हमें ये नहीं पूछना चाहिए था द मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट, क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो होता ही एक स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट तो हमें देता ही एक मैग्नीट्यूड है, तो यही इसका आंसर है। Similarly, अब नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है जी द क्रॉस प्रोडक्ट, सो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा जी, ये हमने कर लिया डॉट प्रोडक्ट, द नेक्स्ट वुड बी क्रॉस प्रोडक्ट, सो ए क्रॉस बी, सो दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए द मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन देम। अब जो एंगल है वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं जी, पुट कीजिए जनाबे अली, क्या आता है 3.2 5.2 साइन ऑफ 60 डिग्रीज, और इससे क्या आएगा जी, क्या आता है, इससे आता है जी 14.1, लेकिन ये तो वेक्टर होगा, तो 14.1 विद एन n यूनिट वेक्टर।
और इस n यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन आपको पता है किस तरह होगी, a क्रॉस b है, सो a से b की तरफ रोटेट करें आउटवर्ड्स ऑफ द प्लेन, आउटवर्ड्स ऑफ द बोर्ड, यानी इस तरफ इस n यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। लेकिन हमसे जो पूछा है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b वुड बी व्हाट, दैट वुड बी 14.1 यूनिट्स व्हाटएवर इट इज। ठीक, बिल्कुल ठीक। असाइनमेंट नंबर 2.4 आपकी बुक की असाइनमेंट नंबर 2.4 है, इसमें आपने प्रूफ करना है कि ए डॉट बी का स्क्वायर और प्लस ए क्रॉस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आप इसको चाहे जिस तरह भी प्रूफ करें, लेफ्ट हैंड साइड हम कंसिडर करते हैं और स्टार्ट हो जाते हैं जी। सो कंसिडरिंग द लेफ्ट हैंड साइड, ए डॉट बी क्या होगा जी, ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर स्क्वायर। प्लस ए क्रॉस बी क्या होगा जी, ए बी साइन ऑफ थीटा होगा कि नहीं होगा जी, बिल्कुल होगा, इसके ऊपर स्क्वायर। अभी तरह सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करें, स्क्वायर को इंप्लाई करें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फिर क्या है जी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन है कि नहीं है, बिल्कुल है, सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर अंदर रह जाएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया कि नहीं आएगा, विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ्ड। समझ आई, बिल्कुल आई। एक दो छोटी छोटी बातें हैं जी, कंकरेंट फोर्सेस। कंकरेंट फोर्सेस क्या होती है, तो चले देखे जी, ये तो हम ऑलरेडी मैं आपको मेरे ख्याल में बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा इतनी छोटी वीडियो मुझे पसंद नहीं होती, तो थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हैं। मेरे ख्याल में ये तो 5-6 मिनट की वीडियो है, अभी तो बहुत टाइम है यार, अभी तो सिर्फ मेरे ख्याल में 6-7 मिनट हुए। तो कंकरेंट फोर्सेस को देखते हैं जी। कंकरेंट फोर्सेस आपको शायद पहले भी कंकरेंट वेक्टर्स के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन ये जो है इधर आ गया, तो थोड़ा सा वीडियो को चले लंबा कर दे रहे जी। तो कंकरेंट फोर्सेस, व्हेन टू और मोर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी and their line of action passes through a common point. तो ये तो आपको पता भी है, लेकिन चले कोई बात नहीं, passes through a common point. देखता हूं जी जरा बुक में क्या लिखा हुआ है। अगेन, when two or more forces are acting on a body and the line of action of these forces pass through a common point, they are said to be concurrent. और एग्जाम्पल इन्होंने किस तरह किया हुआ है जी, एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है कि लेट सपोज ये एक मीट का टुकड़ा है जी, मीट का, और इस पर जो है एक कुत्ता इधर से इसको खींच रहा है, दूसरा कुत्ता इधर से खींच रहा है, तीसरा कुत्ता इधर से खींच रहा है, तो ये तीनों फोर्सेस जो है एक ही बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं, एक ही पॉइंट से वो पास हो रहे हैं, तो ये कंकरेंट है। अगर मीट के टुकड़े को आप ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर करें, तो इसका एक डॉग यहाँ पे है, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक फॉर इंस्टेंस इस डायरेक्शन में, तो आप देखें कि ये सारे का सारा एक ही पॉइंट से पास हो रहा है इनका लाइन ऑफ एक्शन, तो इसको हम कहते हैं जी कंकरेंट फोर्सेस। सिमिलरली वो रस्सी वाला गेम जो आप कहते हैं, क्या कहते हैं, टग ऑफ वॉर जी, तो इस उस तरफ से खींचते हैं, एक इस तरफ से खींचते हैं, तो देखें बनाते हैं जी इस तरह, आप बंदे को बनाते हैं, ये हमारा नेशनल स्टाइल है जी। तो ये जो है इस तरफ से खींच रहा है और दूसरा जो है तो इस तरफ से खींच रहा होता है, किधर है, अच्छा तो एक का फोर्स इस डायरेक्शन में है जी, एक का फोर्स इस डायरेक्शन में है, लेकिन सारा जो है एक ही पॉइंट से पास हो रहा है या एक ही पॉइंट के अलोंग है, तो इसको हम कहते हैं जी क्या चीज, कंकरेंट फोर्सेस। इसको जो है आप कोलिनियर भी कह सकते हैं, इनका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, ठीक है जी, ये कंकरेंट फोर्स है। दूसरा एक टर्म इधर बुक ने एक्सप्लेन किया है, विच इज द इक्विलिब्रियम फोर्स, इक्विलिब्रेंट फोर्स। तो ये क्या है जी, तो कहता है कि आप टू और मोर फोर्सेस को आप बैलेंस कर सकते हैं, टू और मोर कंकरेंट फोर्सेस कैन बी बैलेंस्ड बाय अ सिंगल फोर्स। तो क्या कहते हैं जी, टू और मोर कंकरेंट फोर्सेस can be balanced,
कैन बी बैलेंस्ड बाय अ सिंगल फोर्स, और वो सिंगल फोर्स जो है तो वो है इक्विलिब्रियम फोर्स, उसको आप कहते हैं। अच्छा, किस तरह देखें, लेट सपोज ये आपका जो है तो ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट, ये आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है जी। एक फोर्स एक्ट कर रहा है इधर जी अलोंग द एक्स एक्सिस, F1 है लेट सपोज 3 न्यूटन का। दूसरा है अलोंग द वाई एक्सिस, लेट सपोज ये जो है तो अकर कर रहा है, विच इज लेट से F2, विच इज हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 4 न्यूटन, ठीक है जी। अब इन दोनों को आप अगर रिजल्टेंट इनका ड्रॉ करते हैं तो देखिए, मैं लेट सपोज हेड टू टेल लू लिया, जो भी फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं जी, तो क्या ये रिजल्टेंट नहीं आएगा जी? बिल्कुल आएगा, जिसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा जी 5 न्यूटन का। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। राइट एंगल ट्राइंगल 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 √25 = 5 न्यूटन। तो और इसकी कोई डायरेक्शन भी होगी जी, और इसकी डायरेक्शन क्या है, लेट सपोज ये जो एंगल थीटा है आपको मालूम करने के तरीके आते हैं। लेट सपोज मैं इसको 45 डिग्रीज कहता हूं कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये 45 डिग्रीज पे है, तो इक्विलिब्रियम फोर्स इसका क्या होगा? इक्विलिब्रियम फोर्स वुड बी अ फोर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बैलेंस करेगा ना। तो बैलेंस किस तरह करता है? इक्वल हो लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, कोई मास जो है अटैच्ड है, लेट सपोज आपके सीलिंग से वायर के जरिए एक बल्ब अटैच्ड है, तो उस बल्ब का जो वेट है वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए स्ट्रिंग में या इस वायर में जो है एन इक्वल वेट, जितना इक्वल फोर्स ये अप्लाई कर रहा है, जिसको टेंशन कहते हैं, और उस वजह से ये वेट जो मास है ये बैलेंस है। तो इसका जो बैलेंसिंग फोर्स होगा वो होगा ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट इन द एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन, विच मींस 180 डिग्रीज अपार्ट। तो ये इसका, लेट सपोज मैं इसको F इक्विलिब्रियम कहता हूं, जिसका अगेन मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन होगा, और थीटा कितना होगा तो वो मैं आपको ऑलरेडी तरीका बता चुका हूं। ये अल्टरनेट एंगल्स है कि नहीं है? अल्टरनेट ही कहते हैं ना, जितना ये होगा उतना ये भी होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन हमारा जो रेफरेंस है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से है कि नहीं है? बिल्कुल है, जिसका मतलब मेरा जो एंगल होगा 180 डिग्रीज प्लस दिस एंगल होगा कि नहीं? बिल्कुल। तो 180 डिग्रीज प्लस 45 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कितना आता है जी इसका जो थीटा है वो आता है जी 225 डिग्रीज। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम फोर्स इस एंगल के ऊपर इन दोनों कंकरेंट फोर्सेस F1 और F2 का बैलेंसिंग फोर्स है। इक्विलिब्रियम में क्या होगा जी? इक्वल मैग्नीट्यूड होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। ये बैलेंसिंग, जो भी बैलेंसिंग फिनोमेना है, चाहे वो टेंशन और वेट है, चाहे जो भी है यार, जो आपके जहन में आता है वो करें। तो मैंने ये वीडियो थोड़ी सी लंबी करने की कोशिश की, क्योंकि छोटी वीडियो मुझे पसंद नहीं है। तो इससे पहले कि ये मजीद लंबी हो जाए, मैं आपसे इधर लूंगा इजाजत और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।